अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुख्तार अहमद। हर खबर से बाखबर हमारी है सब के नजर। T9 न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की खुसूसी खबर। मैं इकबाल अहमद कर्नाटक से AICC ऑब्जर्वर बन के चेवल्ला MP कॉन्स्टिट्यूंसी के महेश्वरम असेंबली सेगमेंट के लिए आया हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस की लहर तूफानी तेज़ी में चल रही है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद करवाया। गरीब परवर पार्टी है, लोगों का साथ देती है। हम दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। जिस तरह से मोदी ने बोला 2 करोड़ हम ये देंगे, काम देंगे, फिर 15 लाख रुपये आपके खाते में डालेंगे, लेकिन कांग्रेस कभी झूठ नहीं बोलती है। जो वादा करती है उस पर बहुत सही चलती है। जिस तरह से कर्नाटक में सिद्धरामैया जी, DK शिवकुमार जी, परमेश्वर जी ने राहुल जी और मल्लिकार्जुन जी खड़गे के साथ, सुरजेवाला साहब के साथ मिलकर 5 गारंटियां जो दी थी, हर महीना घर की औरत के लिए 2000 रुपये, 200 यूनिट बिजली फ्री, और जिनको काम नहीं है उनको महीने के 2000 रुपये फ्री, बस में जहां भी जाना है औरतों को फ्री, और 10 KG चावल मुफ्त में दे रही है। इसी तरह से तेलंगाना का जो अभी इलेक्शन चल रहा है, यहाँ भी कांग्रेस की जानिब से 6 गारंटियाँ दी गई हैं। कर्नाटक में 5 और यहाँ पर 6। इसका मकसद क्या है कि सबको एक तरह का जीने का हक मिले, गुर्बत दूर हो, सब बाहिसत की तरह ज़िंदगी जिए। हम कांग्रेस वाले हैं, गरीबों को हटाने का काम करता है। इंदिरा गांधी के दौर से भी यही होते चल रहा है। मैं यहाँ महेश्वरम में देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगह उतनी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं है। KLR रेड्डी जो हैं उनको और यहाँ की MLA सबिता रेड्डी जो हैं उनको अगर कंपेयर करके बोला जाए तो तरक्की को अगर आपको देखना है तो मेड़ाचल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर ये इंतखाब में जीत कर आए थे, वहाँ की भी तरक्की देखो और यहाँ महेश्वरम की तरक्की भी देखो। सबिता रेड्डी इससे पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस को धोखा देकर दूसरी पार्टी में गए हैं, लेकिन तरक्की को आपको देखना है तो KLR वो पैसे के लिए मतलब मोहताज नहीं है। वो एक अच्छे बैकग्राउंड की फैमिली से आए हैं, अच्छे पॉलिटिकल फैमिली से आए हैं, वो तरक्की का एक विज़न लेके आए हैं। लोगों का भला होगा, तेलंगाना का भला होगा अगर आप इनको वोट देंगे। सबिता रेड्डी को अगर देंगे तो आप देख के हैं 5 साल से जो ये जीत कर लोगों का क्या भला किया, लोगों को क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या दिया, यहाँ का डेवलपमेंट आप देख लीजिए। इसके लिए मैं महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम KLR के हक़ में अपना वोट चलाएं, इनको जिताएं और एक अच्छी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का जो इनका ख्वाब है, तेलंगाना में ही अच्छी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी, जो हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट के अतराफ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। अभी ये तो बहुत तरक्की कर रहा है, यहाँ एक अच्छे विजन वाले लीडर की ज़रूरत है। इस लीडर को आप इंतखाब करें और आप तमाम की खिदमत करने का मौका अता करें। अस्सलाम वालेकुम। KLR गारों को आप महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, KLR गारों यहाँ पर पब्लिक मीटिंग करे हैं, आपको कैसा दिखा पब्लिक का व्यू? पब्लिक तो बहुत बड़े जोश में है कि जीत की लहर यहीं से नज़र आ रही है, लेकिन पोलिंग के दिन जो है कांग्रेसियों को सब मिलकर काम करना है। बूथ में जो परसेंटेज है, पोलिंग का परसेंटेज, उसको बढ़ाना है, घर घर जाना है, गारंटी कार्ड पहुँचाना है, लोगों को ये याद दहानी कराना है कि कांग्रेस गरीब परवर पार्टी है, 6 गारंटियां आपको दे रही है। जिस तरह से कर्नाटक में 5 गारंटियां देकर कामयाब किए हैं, उसको सच्चाई में दिखाई हैं, इसी तरह से यहाँ भी जो 6 गारंटियां दे रहे हैं उस बात पर चलेंगे और लोगों का भला करेंगे। कांग्रेस जय जय कांग्रेस।